दोस्तों पंचर का तो काम लंबा निकल गया, पहले क्या था ऊपर से हो जाता था लेकिन वो पंचर में चल के थोड़ा कट थोड़ा ज्यादा पड़ गया। दोस्तों ये दीवार में थोड़ा कम काम हो पाया क्योंकि इसके ऊपर अब हम लोग को लिंटन ढालना है। दोस्तों अभी टायर में तो हम नहीं लग गया, टायर को बस फिट कर रहे। ये देखिए तो मम्मी ये बोल रही है ना कि मम्मी को थोड़ा मुंबई जाने का मन है। बोले थे कि जब ये लोग गाड़ी लेके जाएगा उस समय हम लोग भी बाद में चले जाएंगे पीछे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम आ गए नए वाले घर पे। देख सकते हैं हमारे मिस्त्री लोग जो है वो लोग भी आ गए हैं, आज से हमारा काम चालू हो गया है। तो देख सकते हैं मेरा बाउंड्री काम पूरा हो रहा है, अभी और भी काम अंदर का है, इलेक्ट्रिशियन भी मिस्त्री आ चुका है और सब भी आ गया है अभी। तो धीरे धीरे काम चालू हो जाएगा, होली के बाद तो खैर अपना काम चालू हो जाता है। और हम लोग भी अब निकलने वाले हैं, हम लोग अब टाइम हो गया है निकलने का। हम लोग भी दो तीन जगह ट्रांसपोर्ट में बात कर लिए हैं, तो लोडिंग का दो तीन जगह से ऑफर आया है कि हाँ यहाँ का माल है, तो उस जैसा हम लोग अच्छा लगेगा, जिसका भाड़ा अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम भर के निकलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज भी निपटते हम लोग घर का काम और थोड़ा हमको रामगढ़ भी जाना है, जो सीट के लिए बोले थे आप लोग को, तो सीट भी हमारा एक जगह से आया हुआ है, तो जा रहे देखने के लिए भी रामगढ़। दोस्तों अभी हम और पापा रामगढ़ सिटी के लिए जा रहे थे, पापा कुछ पेंट सिलवाने के लिए दिए थे वो बनाने के लिए। तो अभी जाते जाते हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, ये देखिए यहाँ पे पंचर हुआ है, अब इसको बनवा रहे हम लोग, ये बनवाएंगे फिर हम लोग आगे निकलेंगे। दोस्तों पंचर का तो काम लंबा निकल गया, पहले क्या था ऊपर से हो जाता था लेकिन वो पंचर में चल के थोड़ा कट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तब बोरे उसको खोल के अंदर से करना पड़ेगा। दो दिन में कोशिश किया नहीं हुआ, तब अंदर से ही करेगा। तो तब तक हम आ जा रहे हैं रामगढ़, ऑटो से बैठ चल जाएंगे और कपड़ा लेके आ जाते हैं। तो चलते हैं अभी हम रामगढ़ के लिए। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी का टायर तो पूरा खुल गया है, ये देखिए रिम इधर रखा हुआ है और ये रहा टायर। तो टायर में कुछ छेद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए अभी हम लोग को 4 नंबर का ओमनी लगाना पड़ेगा, ये देखिए। तो अब यही यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों अभी हमारा टायर तो बन चुका है, बस अब टायर को मैं देखिए हवा डाल के चेक करने वाले है। दोस्तों अभी टायर बना के तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी तक हमारा लोडिंग का कोई बात भी नहीं हुआ और सीट भी अभी हम लोग नहीं देख पाए थे। तो ये देखिए अब पापा तो गए थे ऑटो से, तो बस अपना जो कपड़ा था वही लेके आए ना। हम गए थे अपना कपड़ा लेके आ गए वहाँ से, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सका, टायर मोड़ में टायर देखना था हमको, तो बाइक तो था नहीं मेरे पास, इसलिए टायर मोड़ गए नहीं है। तो देखिए हो सकता है कि आधा घंटा पूरा बन जाएगा, देखते हैं। आज उम्मीद है कि देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, कोई गारंटी नहीं है इसका। दोस्तों अभी कॉलोनी में थोड़ा सुनने में आ रहा है कि पानी का प्रॉब्लम आ चुका है, ये देखिए अभी सभी लोग पानी भर रहे हैं। वो क्या कि जो टाइम से अपना पानी आता वो नहीं आया हुआ है, तो वही सब लोग परेशान है। देखिए आंटी जी सब कुआं में पानी भर रही है, तो अभी हम लोग को भी भरना पड़ेगा। अभी जाएंगे तो हम थोड़ा लेट से भरेंगे, अभी आंटी जी लोग भर लेगी, उसके बाद रात में आराम से। यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो जाता है ना, यहाँ का भर देगा थोड़ा, कभी कभी पानी नहीं आता है, सप्लाई वाला पानी है तो कभी कभी नहीं आता है पानी, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। और यहाँ से नया वाला घर दूर है तो वहाँ से ला भी नहीं सकते हैं पानी ढोकर, बहुत परेशानी होगा। यहाँ से दोस्तों करीब 500-600 मीटर के आसपास घर दूर है, इसलिए हम वहाँ से पानी भी नहीं ला सकते हैं। देखेंगे ट्राई करेंगे, अभी रात में हम ऐसे भी भर देंगे पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग फिर जा रहे हैं नए वाले घर पे, तो नए वाले घर के पास तो आ ही गए हैं, ये रहा। तो अभी यहीं पे हम लोग शाम में बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे घर। दोस्तों ये दीवार में थोड़ा कम काम हो पाया क्योंकि इसके ऊपर अब हम लोग को लिंटन ढालना है, तो ईटा जोड़ने का काम रहता तो अभी तक कम्प्लीट हो गया होता, लेकिन अब इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ढालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा काम अभी स्लो हो गया है। दोस्तों अभी पापा तो यहीं पर थे और अभी कुछ लोग भाई लोग मिलने के लिए भी आए हुए हैं, ये देखे सब लोग घाटों से मिलने आया है। जैसे होली खत्म हुआ तो इन लोगों को वीडियो से मालूम चला कि अभी हम है और हो सकता हम निकल जाए ना, कि हम निकल जाए, मिल लेते बहुत दिन। चलिए बहुत अच्छा लगा सब मिल करके, और आप लोग भी जानते हैं हम तो निकलने वाले हैं, सुबह से और भी लोग आए थे, बोले कि भाई आप निकल जाइएगा होली खत्म हो जाएगा, उसके लिए सोच रहे कि मिल लेते हैं। सही बात है, अपना काम में तो जा ही पड़ता है, अपना काम तो छुट्टी छुट्टी को, जैसे ये लोग महाराज सब काम में आ गए वापस, तो हमको भी जाना अपना काम से। हम आज ही गिरिडीह से आए तो सोचे कि आज ही मिल लिया तो कल आप निकल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर भी, थैंक यू। दोस्तों अभी करीब शाम के 7 बज चुके हैं और घर का पूरा पानी भर के अभी हम आए, तभी से पानी भर रहे थे और पापा भी तो बाहर अभी बाहर ही गए हैं। तो लोडिंग का जहां तक हमारा बात हुआ है, अभी जो हम लोग कुरकुरे रांची से भरते थे वही बात हुआ है, तो वो लोग अभी बोले कि माल पूरा तैयार नहीं हुआ है, आपका अभी पास रायपुर का और उड़ीसा का माल है तो वही माल अभी रेडी कर रहे हैं। बोले आज शाम तक बोले थे ऐसा करेंगे कि रेडी हो जाएगा, देखिए अगर रेडी हो गया होगा तो कल सुबह सुबह शायद हम लोग यहाँ से निकल जाए। और अभी एक हम लोग को इंटरव्यू का वीडियो बना के भेजना है, तो एक कंपनी है दोस्तों उनके साथ हम लोग को एक इंटरव्यू बनाना है, तो वही कल हम लोग को थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सुबह सुबह हम लोग थोड़ा जल्दी बना लेंगे और फिर उनको देखिए अगर कल निकलना हुआ तो निकल भी जाएंगे हम लोग। अभी तो नई वाले घर पे ही है, अभी सब लोग यहीं पर अभी हम लोग शाम में रहते हैं,
तो ठीक है, अभी देखते हैं, वो लोग काम जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। वो लोग कल बोले हैं 12 बजे के आसपास कम से कम वो सारा वीडियो बना के भेज दीजिएगा, तो उसको हमको एडिट नहीं करना है, बस रॉ फुटेज हमको उनको भेज देना है, बाकी वो सब लोग एडिट खुद कर लेंगे। तो चलिए, उसमें भी ज़्यादा हमको टाइम लगने वाला है, करीब हमको लग रहा है 10-12 क्वेश्चन है, तो सारा आंसर बना के भेजना पड़ेगा। दोस्तों, रात के 9 बज चुका है और हम अभी घर पर ही है, तो कहीं जाना भी नहीं हुआ आज हमारा, तो हमारा लोडिंग का ही ट्रांसपोर्ट में बातचीत करते रहे। उड़ीसा का बात हो रहा था, उड़ीसा का कोई पाइप जा रहा रांची से, तो वो भी है और एक बनारस साइड का भी, तो हम सोच रहे कोई लॉन्ग टूर कहीं लंबा, महाराष्ट्र में मुंबई भी जाने का है, राजस्थान भी जाने का है, उधर लॉन्ग टूर का देख रहे हैं, तो जब रुके हुए हैं तो लॉन्ग टूर भी देख लेते हैं। और यहाँ तो ज़्यादातर रांची से लोड होता है या फिर जमशेदपुर से लोड होता है, और आसपास उसका कोई ठिकाना है नहीं, तो देख रहे, पता कर रहे हैं, अगर हमारा मन चाहा मिला माल तो हम भी लोड करेंगे, तो कल या फिर परसों तो हमको लोड करना ही है, क्योंकि अब हमको निकलना भी है, काफ़ी दिन भी हो गया, तो गाड़ी जितना चलेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। दोस्तों, हम लोग तो पूरा इंडिया लगभग घूम ही लिए है, करीब 80% के आसपास, तो मम्मी ये बोल रही है ना कि मम्मी को थोड़ा मुंबई जाने का मन है, और मुंबई से हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोग बुलाए भी है, तो हमारा भी प्लान बना था, तो हम लोग तो सोचे थे गाड़ी का जब लोड होगा तभी जाएंगे, तो अभी देखिए मम्मी बोलती है कि मुंबई हम लोग को घुमा देने के लिए। हाँ, बोले थे कि जब ये लोग गाड़ी लेके जाएगा उस समय हम लोग भी बाद में चले जाएंगे पीछे से। तो अभी दोस्तों, अभी तो मुंबई का हमारा कोई प्लानिंग बना नहीं है, तो हम तो सोचे थे कि फैमिली के साथ जाएंगे, अभी देखते फिर कैसा होगा, अभी तो गाड़ी थोड़ा जाना जरूरी हो गया है, और अभी हम लोग गाड़ी का पूजा भी नहीं करवाया है, तो सबसे पहले गाड़ी को अच्छे से साफ कर देंगे, और जितना भी पेंट छूटा हुआ है वो सब कंप्लीट करने के बाद, पूजा होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे मुंबई का ट्रिप, अगर उससे पहले मिल गया तो और भी अच्छा है, मम्मी को भी घुमा लेंगे पूरा मुंबई, ठीक है ना। मम्मी तो कलकत्ता भी नहीं घूमी है ना कभी, तो उधर भी घुमाना बाकी था, हम लोग जो उधर घूम के आए थे वाला ट्रिप, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा था, तो ये सब घुमा देंगे। अयोध्या का भी ट्रिप हमारा बाकी है, दादी के साथ पूरा फैमिली के साथ बाकी है, अयोध्या का ट्रिप भी जरूर करेंगे हम लोग। दोस्तों, जा रहे हैं सोने के लिए, अपना खाना वाना सब हो गया, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह आप लोग से। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, और अभी हम सुबह नहा धो तैयार भी हो गए हैं, और अभी हमारा ट्रांसपोर्ट में बातचीत चल रहा है, तो माल के लिए भी हम देखे, दो तीन जगह देखे हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं बातचीत करके, आज हमारा क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोडिंग क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, एक और बताना चाहेंगे कि हमारे ड्राइवर भाइयों लोग के लिए और ओनर लोग के लिए, ट्रक मालिक जो ओनर है उनके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, आप लोग रेडी रहिएगा, एक दो दिन में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज हम देने वाले हैं। दोस्तों, अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करके हम निकलने वाले हैं रामगढ़ सिटी की तरफ, तो हमारा वो रांची वाला रोड पे उस साइड में जाना पड़ता है, तो वहाँ सीट का नाप वगैरह देना है, आप लोग जो बताया जो सीट के लिए, तो एक जगह मिला है हमको, तो हमको बोले कि गाड़ी लेके आइएगा, तो नाप के बता देंगे हम कैसे एडजस्ट होगा क्या होगा, तो हम गाड़ी लेके जाने वाले हैं, तो अभी जा रहे नाश्ता करने, फिर नाश्ता कर निकलेंगे, रांची वाला रोड पे हम जा रहे हैं अभी। दोस्तों, हमारा सुबह का नाश्ता यही होता है घर पे, देख सकते सादा रोटी है तो सब्जी और भुजिया है, यही हम सुबह सुबह घर पे हमारा नाश्ता बनता है, यही हम लोग खाते हैं, आलू गोभी का भी सब्जी बन गया है। दोस्तों, हमारा नाश्ता हो गया, अब जा रहे हैं, आप लोगों को सरप्राइज के लिए बोले हैं, वो सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी, तो अभी हमको निकलना है रामगढ़ के लिए, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में से देखने को मिलेगा, इस ब्लॉग को यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।